नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे। आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम बनाएंगे पनीर ब्रेड कोफ्ता। चूँकि हमें क्या क्या चाहिए देख लेते। हमने चौम मसाला लिया, रेड ग्रेवी, और इसकी लिंक आप लोगों मिल जाएगी रेड ग्रेवी की और चौप मसाले की। पांच प्रकार की ग्रेवी डाली, उसके हम लिंक दे देंगे, जाके चेक कर लीजिएगा। पनीर ग्रेट करा हुआ, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, नमक, चाट मसाला, कश्मीरी मिर्ची, किचन किंग मसाला और ब्रेड। चलिए पनीर लिया हमने, इसमें 150 ग्राम मिर्ची, 5 से 7 ग्राम कोरिएंडर, 5 से 7 ग्राम रेड चिल्ली पाउडर, 5 ग्राम नमक स्वाद अनुसार, 3-4 ग्राम हल्दी, 4 ग्राम चाट मसाला, 4 ग्राम। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले के लिए। और थोड़ी सी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डाली 3 से 4 ग्राम। ब्रेड हमने जो स्लाइस काट के रखी थी ब्रेड की, और इसको हमने हल्का सा पानी में गीला करा और इसको इस तरीके से हम बना लेंगे। देखिए साइड काट लेना है ब्रेड की और फ्रेश ब्रेड लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ये ब्रेड अगर ज़्यादा आपका पानी पी लेती तो इस तरीके से हम निचोड़ दीजिए और पानी कम ही डालना है इसमें। इस तरीके से हम कोफ्ते बना लेंगे और हम फ्राई कर लेते हैं कोफ्ते के लिए। इस तरीके से देखिए हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं करना है, ज़्यादा ठंडे में नहीं करना है, मीडियम ऑयल में फ्राई करना है। और ये हमारे कोफ्ते रेडी। और चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ऑयल लिया है 30 से 40 ग्राम, गार्लिक लिया हमने 10 ग्राम, ग्रीन चिल्ली ली है 5 से 7 ग्राम, चॉप मसाला 50 ग्राम, और इसके आप लोगों लिंक मिल जाएगी चॉप मसाला, 5 प्रकार की ग्रेवी जो हमने रेड ग्रेवी डाली, और रेड चिल्ली पाउडर 7 ग्राम, किचन किंग मसाला 5 से 7 ग्राम, कोरिएंडर पाउडर 5 से 7 ग्राम, चाट मसाला 5 ग्राम, रेड चिल्ली पाउडर 5 ग्राम, थोड़ा सा पानी और ग्रेवी। ग्रेवी हम लेंगे इसमें 150 ग्राम। जो हमारी डिश रेडी होगी वो होगी 300 ग्राम ब्रेड पनीर के कोफ्ते। नमक स्वाद अनुसार 4 से 5 ग्राम, लेमन जूस 1 पीस, 4 लेमन के 4 पीस बनाना, उसमें से 1 पीस डालें, शक्कर 2 से 3 ग्राम, कस्तूरी मेथी 2-3 ग्राम, बटर 10 ग्राम, क्रीम 30 ग्राम, कोरिएंडर चॉप फ्रेश 5 से 7 ग्राम, और ये हमारा ग्रेवी रेडी ब्रेड पनीर कोफ्ता के लिए। चलिए हम सर्व करेंगे। और देखिए इस तरीके से हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम कोफ्ते लगा देंगे। हमने काट लिए कोफ्ते को, काट के लगाए हुए हैं पनीर ब्रेड कोफ्ता, और इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और हमारी रेसिपी अगर आप लोग अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों पनीर ब्रेड को कोफ्ता कैसे लगे। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों अपडेट मिल जाएंगे। और आप लोगों लिंक दे दूंगा 5 प्रकार की ग्रेवी,